रफाल लड़ाकू विमान सौदे पर सुप्रीम कोर्ट से मिली क्लीन चिट को हथियार बनाकर मोदी सरकार विपक्ष को घेरने की रणनीति तैयार कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो खुद भी इस मसले में घिर गई है। कांग्रेस की ओर से सरकार के हलफनामे में गलती गिनाने के बाद अब सरकार ने भूल स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक और हलफनामा दायर किया है, जिसे लेकर कांग्रेस और आक्रामक हो गई है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट के आदेश में कैग और लोक लेखा समिति के समक्ष रफाल संबंधी रिपोर्ट के जिक्र को हथियार बनाकर केंद्र को घेरा था और अदालत को गुमराह करने का आरोप लगाया था। पीएससी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि सरकार ने संसद के समक्ष ये रिपोर्ट पेश नहीं की और न ही सीएजी की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया है। विपक्ष के तीखे तेवर के बाद मोदी सरकार ने भी माना कि कुछ गड़बड़ी हुई है। हालांकि केंद्र ने पूरा ठीकरा कोर्ट पर ही फोड़ दिया। सरकार ने कहा कि उसके नोट की अलग अलग व्याख्या के कारण विवाद पैदा हो गया, कोर्ट सरकार के मतलब को समझ नहीं पाया, इसलिए भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। इसलिए अब सरकार ने नया हलफनामा दायर कर शीर्ष न्यायालय के फैसले में उस पैराग्राफ में संशोधन की मांग की है। वहीं से लेकर अब कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अब सरकार की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा है वह सही मायने में न्यायालय पर उसके द्वारा सील्ड कवर में दिए गए तथ्यों की गलत व्याख्या का दोष मढ़ना है। सिब्बल ने कहा कि सरकार अब शर्मिंदा है और कोर्ट को भी शर्मिंदा कर रही है। सरकार के इस कदम को लेकर जहां कांग्रेस हमलावर है, तो वहीं अब बीजेपी ने भी रफाल पर कांग्रेस को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है, जिसके तहत पार्टी 70 शहरों में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और कांग्रेस के आरोपों का जवाब देगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।